आगे अनोदर फेमस बर्ड, और जो दूसरा लोकप्रिय या प्रसिद्ध पक्षी है इस वीवर बर्ड। वीवर बर्ड किसको कहते हैं? जो बैया होती है उसको बोला जाता है वीवर बर्ड। इट इज़ नॉन, यह जानी जाती है फॉर वीविंग इट्स नेस्ट, अपने घोंसले को बनाने के लिए जाना जाता है। द नेस्ट कैन बी सीन, घोंसले को देखा जा सकता है। हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, पेड़ की जो शाखाओं से लटकते हुए। देखो जो अधिकतर घोंसले होते हैं वो पेड़ की टहनियों के ऊपर बनते हैं, लेकिन जो बैया का वीवर बर्ड का जो घोंसला होता है ना वो नीचे लटकता है। इन समर, गर्मियों में इट इज़ कूल, या ठंडा रहता है। एंड इन विंटर, और सर्दियों में इट इज़ वार्म, यह गर्म रहता है। एंड कंफर्टेबल, और आरामदायक रहता है। ठीक है, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। द ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट बर्ड, जो ऑस्ट्रिच है वो सबसे बड़ा पक्षी है। इट कैन नॉट फ्लाई, यह उड़ नहीं सकता। बट परंतु इट रन्स वेरी फास्ट, परंतु यह बहुत तेज़ दौड़ सकता है। इट इज़ ए टाल एंड स्ट्रॉन्ग बर्ड, टाल मीन्स लंबा, स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत ताकतवर, ये लंबा और बहुत ताकतवर पक्षी है। इट इज़ आल्सो वेरी फॉर साइटेड, इट इज़ आल्सो वेरी फॉर मतलब बहुत दूर, साइटेड मतलब दृष्टि वाला। यह भी जो पक्षी है यह भी क्या है, बहुत दूर दृष्टि वाला या बहुत दूर तक देखने वाला पक्षी है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्विफ्ट रनिंग बर्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट स्विफ्ट रनिंग, यह सबसे तेज़ दौड़ने वाला बर्ड पक्षी है। नेक्स्ट, सम बर्ड्स, कुछ पक्षी लाइक द नाइटिंगल एंड कुकू, नाइटिंगल होती है आपकी बुलबुल एंड कुकू आपकी कोयल। कुछ जो पक्षी हैं वो क्या हैं, बुलबुल और कोयल हैं, वो किस लिए, आर नोन एज, जाने जाते हैं या हम उनको जानते हैं एज सिंगिंग बर्ड्स, गाने वाले पक्षियों के रूप में। दीज बर्ड्स सिंग वेरी वेल, ये जो पक्षी हैं ये बहुत अच्छा गाते हैं। पीपल लाइक टू हीयर दैम, पीपल व्यक्ति लाइक पसंद करते हैं टू हीयर दैम, इनको सुनना। द पैरट्स कैन टॉक लाइक अस, पैरट्स तोते कैन टॉक बातें कर सकते हैं लाइक अस हमारी तरह। द कुकू कोयल डज नॉट मेक, नहीं बनाती है इट्स ऑन नेस्ट, अपना खुद का घोंसला, जो कोयल है वो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। इट प्लेसेस इट्स एग, वो अपने अंडों को रखती है इन द नेस्ट ऑफ द क्रो, कोए के घोंसले में वो अपने अंडों को रखती है। द क्रो सिट्स ऑन द एग्स, द क्रो सिट्स, कोआ बैठता है ऑन द एग्स, अंडों के ऊपर। एंड हैचेस देम, और उनको सेता है, हैच मतलब सेना, पकाना। द क्रो फीड्स द बेबी कुकू, द क्रो फीड्स द बेबी कुकू, जो कोआ है वो कोयल के बच्चों को अपना भोजन बना लेता है या उनको खा लेता है। इज नॉट द कुकू ए क्लेवर बर्ड, इज नॉट मतलब क्या नहीं है कुकू ए क्लेवर बर्ड, कुकू कोयल ए क्लेवर बर्ड, क्लेवर बर्ड्स मतलब चालाक पक्षी, क्या कोयल एक चालाक पक्षी नहीं है, क्योंकि वो अपने अंडों को दूसरों के घोंसलों में रखाती है और दूसरे उसको फिर पालते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं करती है, तो क्या वो चालाक नहीं है। द बर्ड्स आर आवर फ्रेंड्स, पक्षी हमारे मित्र हैं, सो इसलिए वी शुड नॉट हार्म, हार्म मतलब नुकसान, इसलिए हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और किल देम, और उनको नहीं मारना और चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना और उनको मारना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज लव, हमें हमेशा प्यार करना चाहिए। दीज इन गिफ्ट्स ऑफ गॉड, जो भगवान के दिए हुए जो ये तोहफे हैं पक्षी, इनसे हमें प्यार करना चाहिए।
तो ये आपका लेसन 10 था बर्ड्स, जो कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक